हिंदू धर्म रे हरि शयन एकादशी रहिछि अनेक महत्व। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष रे एही दिनटी पड़ी थाए। हरि शयन एकादशी परी समस्त धर्म कार्य आरंभ हुए, जेपरी कि विवाह, नामकरण एवं गृह प्रवेश भली शुभ कार्य करा जाय थाए। एथिसह भगवान विष्णुंक रूप शालग्रामंक सहित तुलसींकर विवाह करा जाय थाए। भक्तमाने शालग्राम भगवानक बरजात्री नै आसी थांती। मा तुलसींकु मध्य बहु बेसरे सजा जाय थाए। भगवान विष्णुंक सह विवाह एवं समस्त शुभ कार्यरे व्यवहार करा जाउथिबा तुलसींकु नै गोटिए कथा खूब प्रचलित अछि। तुलसी पत्र को भगवान गणेशंक पूजारी व्यवहार करा जाय नथाए, तेबे जानंतु काहें कि अग्रपूज्य गजाननंकु अर्पण करा जाय नहीं तुलसी पत्र। प्रचलित पौराणिक कथा अनुजाई धर्मात्मज नामक जणे राजा यज्ञ करुथिले। तांकर जणे कन्या थिले जहांकर नाम थिला तुलसी। सेही समय रे तुलसी विवाह योग्य होइथिबारु निज पाई उचित परपात्र पाइबा लागि तीर्थ यात्रा रे बाहरी थिले। अनेक स्थान रे यात्रा करबा परे तुलसी गंगा कूल रे ध्यान करुथिबा गणेशंकु देखिथिले। ध्यान समय रे भगवान गणेश रत्नरे चढ़ित थिबा सिंहासन उपरे विराजमान करिथिले। तांकर समस्त अंगरे चंदन लेप हेबा सह गळारे स्वर्ण एवं मणिरत्नर हार, अंटारे रेशमर पीतांबरी रहिथिला। गणेशंकर एही रूपकु देखिबा परे तुलसी तांकु विवाह करिबा पई चाहिले। आउ पार्वती पुत्रंक तपस्या भंग करि तांक सम्मुखरे विवाह प्रस्ताव रखिथिले। तपस्या अधारु भंग हेबारु गणेश भीषण असंतुष्ट हेले एवं विवाह प्रस्ताव को मना करिदेले। से कहिथिले मु ब्रह्मचारी। तेबे गणेशंक एही कथा सुनिबा परे तुलसी रागी जाई अभिशाप दे कहिथिले, आपण ब्रह्मचारी कौन, आपणंकर दुई जणंक सह विवाह हेबो। एथिरे प्रभु गजानन मध्य रागी जाई तुलसींकु अभिशाप दे कहिथिले, आपणंकर मध्य असुर शंखचूर्ण अर्थात जलंधरंक सह विवाह हेबो। राक्षसंक पत्नी हेबार अभिशाप सुनिबा परे तुलसी भगवान गणेशंकु क्षमा मागिथिले। एहा परे गणेश तुलसींकु कहिथिले, आपण भगवान विष्णु एवं कृष्णंकर प्रिय हेबा सह कलिजुगरे जगतकु जीवन एवं मोक्ष प्रदान करिबे, किंतु मो पूजारी तुलसी अर्पण करिबा अशुभ हेबो। सेही दिनठारु प्रभु गणेशंक पूजारी केबे भी तुलसी लागिनाही। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज 24।